जय श्री गणेश जी दोस्तों, मेरा नाम है आचार्य संध्या सक्सेना। मैं माँ लक्ष्मी ज्योतिष और आध्यात्मिक चैनल से हूँ। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दूसरा कि यदि आपको कोई समस्या है तो आप मुझे 8126476399 पर व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। बार बार मना करने के बाद भी लोग मुझे बहुत फ़ोन करते हैं, मैं फ़ोन नहीं उठा सकती हूँ, मेरे पास टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, काम ही बहुत आता है। तो व्हाट्सअप पे ही इतने मैसेज आते हैं, व्हाट्सअप पे, एसएमएस पे, ईमेल पे, मेल पे, यहाँ पे, वहाँ पे, यूट्यूब पे लोग इतने मैसेज करते हैं कि उन्हीं का जवाब देते देते मेरे को टाइम पूरा नहीं लग पाता, तो कॉल पे मैं बात कैसे करूँ। तो अगर आपको कोई समस्या है तो सिर्फ व्हाट्सअप कीजिए, अगर मुझे लगता होगा कि मैं उसका सोल्यूशन दे सकती हूँ तो आपको बता दूँगी, वरना आपको मैं आगे बता दूँगी जैसा भी होगा। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो हम अपनी गाय के ऊपर देने जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा कोई सदस्य बीमार हो जाता है और आप उससे परेशान हो जाते हैं कि सदस्य ठीक नहीं हो रहा है। एक बोलते हैं कि मुठ चलना। मुठ चलना क्या होता है? कभी कभी किसी सदस्य को इतनी ज़्यादा बीमारी हो जाती है कि वो लैट्रिन बाथरूम बिस्तर पर करने लगता है और उसका शरीर पूरा टूट कर खराब हो जाता है। आपका कोई घर का सदस्य यदि कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, चाहे उसको कोई रोग हुआ हो, चाहे वो ऐसे ही बीमार हो गया हो, चाहे उसे नज़र लग गई हो, दोष हो गया हो, तो आज का उपाय आपके लिए ही है। उसके लिए क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको अपने घर में ये प्रयोग जो है शनिवार वाले दिन करना है। शनिवार वाले दिन आपको आटे की एक लोई लेनी है। शुक्रवार को आप कम से कम एक मुट्ठी काला चना एक मुट्ठी पानी में रात को शुक्रवार को भिगो देंगे। शनिवार वाले दिन वो सारे चने आपको लेने हैं भीगे हुए, उसे आटे की एक लोई में रखना है और लोई को बंद कर देना है। अब आप सीधे गाय के पास जाएंगे, कोई भी गाय जो आपके आसपास हो, लेकिन गाय कपिला होनी चाहिए, यानी कि जो देसी गाय होती है, सफ़ेद रंग की होती ना, और मतलब येलोइश कलर की, जो कृष्ण जी की भी मानी जाती है, उस गाय के पास आपको जाना है, हाथ जोड़ना है और आपको बोलना है कि हे देवी, मेरा नाम अमुक है, पुत्री या पुत्र अमुक हो, और मेरा पिता का या माता का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं आपको निमंत्रण देने आया हूँ या देने आई हूँ जिससे आप मेरे साथ चलें, और मैं जिस कार्य को भी संपन्न करना चाहता हूँ उस कार्य में आप मेरी मदद करें, इसलिए मैं आपकी धूल और आपके गोबर को लेने आया हूँ। अब आप वहाँ से उसी गाय का थोड़ा सा गोबर और थोड़ी सी धूल ले लेंगे। अब आपका एक क्वेश्चन आता है कि गोबर वहाँ ना हो तो आप धूल ले लेंगे और आसपास जो भी गोबर पड़ा होगा आप उसको उठा लेंगे। यदि आप किसी गौशाला में गए हैं तो गौशाला में गोबर पड़ा ही रहता है, आप उस गोबर को उठा लेंगे, ठीक है, और धूल ले लेंगे। अब आप धूल और गोबर को लेके घर पे आएंगे। गोबर को आप थोड़ा सा थिक, एक गोल सा, जैसे मतलब जैसे रोटी होती है, इस तरह से गोबर को थोड़ा सा हाथ से पानी मिला के लीप देंगे। पानी की जगह उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएंगे, गंगा जल ना हो तो गौमूत्र मिलाएंगे, उससे लीप कर उसको थोड़ा धूप में सुखाने रख देंगे। और जो आप मिट्टी लाए हैं उस मिट्टी में भी थोड़ा सा गौमूत्र या गंगा जल ही आपको मिलाना है, और उसे आपको गीली गीली एक बड़ी सी, मतलब एक जैसे गोलियां होती ना उस टाइप की गोलियां बना लेनी है। अब आपको क्या करना है, ये गोली लेनी है और साथ में 5 लौंग लेनी है, 5 हरी इलायची लेनी है और 1 नींबू लेना है। और क्या करना है कि आपके घर में जो भी सदस्य बीमार है, आप ये जो आपने गोली ली है ये गोली आप लेंगे और उसके सर से लेके पैर तक आप उस पर उतार देंगे 7 बार। तो ये गोली 1 और जो नींबू लिया है वो 2, 5 लौंग और 5 इलायची, ये सारा सामान आप उस पीड़ित व्यक्ति को जो बीमार पड़ा है उसके सर से लेके पैर तक 7 बार आप उतारेंगे उल्टा। उल्टा उतारने के बाद उसके माथे के ऊपर नींबू रखेंगे थोड़ा सा ऊपर की साइड, और धीरे धीरे नींबू को सीधा खड़ा काट देंगे। खड़ा काटने के बाद फिर आप उसके माथे पे, उसके दोनों जो हाथ हैं हथेलियाँ उस पर, उसके हृदय पे, उसकी नाभि पे, इस तरह से हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, तो माथे पे, माथे के बाद पहले सर पे, फिर माथे पे, फिर कंठ पे, फिर हृदय पे, नाभि से ऊपर, नाभि पे और नीचे का जो स्थान होता है, लास्ट में घुटने पे और जांघ पे रखे और सीधे तलवे तक आपको उस तरह से लेके आना है कटे हुए नींबू को, ठीक है। और उसके बाद
वो जो नींबू को आपको ऐसे काटना है कि उसके चार टुकड़े हों, लेकिन चारों में से एक भी अलग ना हो, और उसको आपको उसके पूरी बॉडी पे लगा देना है। अब आप क्या करेंगे, घर से बाहर निकलेंगे जब अंधेरा हो जाएगा, चारों टुकड़ों को चार दिशाओं में चौराहे पे फेंक देंगे नींबू के, और जो गाय का जो आपने गोली बनाई है मिट्टी की, और जो लौंग है और जो इलायची जो आपने उतारी है, उसको जाकर एक पान के पत्ते पे रखकर, बल्कि पान का पत्ता भी सर से उतार दीजिएगा, उसको उतार के वहाँ पे रख दीजिएगा। कहाँ पे रखना है आपको, ये जो पीपल का पेड़ है वहाँ पे जाके रख दीजिएगा, पीपल ना तो बरगद पे रख दीजिएगा। बस आपको इतना उपाय करना है, और ये लगातार आपको एक शुक्रवार से शुरू करते हुए अगले शुक्रवार तक करना है। और वो जो आपने गाय का कंडा बनाया था उसका क्या करना है, उसको आपको आपके जो पेशेंट है उस पर रोज़ रात को उस पर थोड़ा सा कपूर रखकर और थोड़ा सा नमक रखकर और थोड़ी सी पीली सरसों रखकर उसको जलाना है मरीज के सिरहाने। इससे आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। आप 7 बार, 21 बार, 51 बार कितने दिन भी इसको कर सकते हैं, या तब तक कर सकते हैं जब तक आपका पेशेंट पूरी तरह से ठीक नहीं होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई समस्या हो तो व्हाट्सअप कीजिए।